हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नर्सरी क्लास इंग्लिश वर्कशीट फॉर एनुअल एग्ज़ाम। आप बच्चे को अभी से ही स्टार्ट करवा सकते हैं एनुअल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। ये जो वर्कशीट शेयर कर रही हूँ, जो बच्चे की जो एनुअल एग्ज़ाम्स आ रही है उसमें बच्चे के लिए ये वर्कशीट यूजफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चे को क्या करना है, फिल करनी है ब्लैंक्स। हाफ ईयरली एग्जाम्स में ए टू एल या फिर एच तक के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, लेकिन एनुअल एग्जाम्स में ए टू जेड तक के अल्फ़ाबेट्स फिल करने होते हैं। किस तरह से, देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से बच्चे को जो मिसिंग लेटर है वो क्या करने हैं, फिल करने हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, सी द पिक्चर्स एंड राइट करेक्ट अल्फाबेट। बच्चे को क्या करना है, पिक्चर्स देख के उसके जो राइट अल्फाबेट है, करेक्ट अल्फाबेट, वो क्या करना है, लिखना है। देखिए, हाफ ईयरली एग्जाम्स में बच्चे को जितने अल्फाबेट्स सिखाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्कशीट आती है, लेकिन एनुअल एग्जाम्स में ए टू जेड तक के अल्फाबेट्स लर्न किए जाते हैं। फिल करना है एच, एच फॉर होम, तो इस तरह से होम। देखिए, बच्चे को फोनिक्स के साथ सिखाना होम, इस तरह से फोनिक्स के साथ बच्चे को सभी अल्फाबेट्स सिखाने हैं। ये पिक्चर कौन सा है, बैट का, तो इस तरह से क्या लिखना है, बी फॉर बैट, ब ब बैट। ये जो क्या है, अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, अ अ अ। सन, तो उसका अल्फाबेट्स क्या आएगा, स, मतलब एस, स स सन। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन क्या है, मैच स्पेलिंग टू स्पेलिंग। बच्चे को ये जो छोटे छोटे स्पेलिंग्स है वो सिखाए जाते हैं, तो एग्जाम्स में भी क्या करना है, बच्चे को सेम जो स्पेलिंग है उसके साथ क्या करना है, मैच करना है। किस तरह से, एच ए टी हैट, तो इस तरह से यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, उसके सामने जो हैट का जो स्पेलिंग है उस पर क्या करना है, मैच करना है। बी ए टी ब ब बैट, इस तरह से बच्चे को जो सभी स्पेलिंग है वो क्या करने हैं, मैच करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुट सर्कल ऑन करेक्ट लेटर। बच्चे को क्या करना है, इसमें से जब सभी पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके उसका जो करेक्ट लेटर है उस पर क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। किस तरह से, देखिए, नेट का पिक्चर है तो बच्चे को इस तरह से एन फॉर नेट, तो इस तरह से एन पे क्या करना है, सर्कल। उसके बाद ये कौन सा पिक्चर है, मैट का, तो बच्चे को इसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैट का जो स्पेलिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इस तरह से एम फॉर मैट, म म मैट। उसके बाद ये जो है कैट है, मतलब सी फॉर कैट, तो इस तरह से सी पे सर्कल बनाना है। देन नेक्स्ट, दिस इज मैंगो, एम फॉर मैंगो, म म मैंगो। उसके बाद ये कौन सा है, पिक्चर है हैट का, तो उसके लिए कौन सा अल्फाबेट्स करेक्ट है, एच, ह ह हैट। उसके बाद ये पिक्चर्स कौन सा है, बॉल का, तो इस तरह से बी फोर बॉल, ब ब बॉल। इस तरह से ये वर्कशीट बच्चे को फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द स्पेलिंग विथ पिक्चर्स। इसमें क्या करना है, बच्चे को जो स्पेलिंग है उसके सामने जो पिक्चर्स है उसके साथ क्या करना है, मैच करना है। किस तरह से, बी ए टी बैट, तो इस तरह से मैच करना है। ये जो शीट है, बच्चे को जितने स्पेलिंग लर्न किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये शीट स्कूल में बनाई जाती है एग्जाम्स में। एच ई हैन, तो इस तरह से हैन पे क्या करना है, मैच। L I D लिड, तो इस तरह से लीड पे क्या करना है, मैच करना है। Zip, Z I P, जिप, तो इस तरह से
जिप पे मैच करना है, एन ई टी नेट, तो इस तरह से नेट पे, एच ए टी हैट, इस तरह से हैट में। इस तरह से बच्चे को स्पेलिंग्स के साथ पिक्चर्स मैच करने हैं। एंड देन नेक्स्ट इज राइट आफ्टर लेटर, इसमें क्या करना है, बच्चे को आफ्टर लेटर लिखने हैं। देखिए हाफ ईयरली एग्जाम्स में एच या फिर एल तक के आफ्टर लेटर है जो बच्चे को फिल करने हैं, लेकिन एनुअल एग्जाम्स में बच्चे को ए टू जेड तक के अल्फाबेट्स फिल करने हैं। किस तरह से, डी, डी के बाद क्या आएगा, ई, तो इस तरह से ई लिखना है, एम, एम के बाद क्या आएगा, एन, इन लिखना है, उसके बाद पी, पी के बाद क्या आएगा, क्यू, इस तरह से क्यू, ए, ए के बाद बी, एस, एस आफ्टर टी, इस तरह से टी। बस आप इस वर्कशीट से आप बच्चे को अभी से ही एनुअल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।